बिहार के गांव में एक टीना नाम की सुशील सी लड़की रहा करती थी, जो बेशक थी तो छोटे गांव की, लेकिन बड़े ही खुले विचारों की थी। टीना समझदार भी बहुत थी, लेकिन टीना एक पंजाबी लड़के से प्यार कर बैठी और दोनों ने उसके बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद सास से उसके विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि उसकी सास थी पंजाबी। अब दोनों ही सास बहू अक्सर आपस में टकराव करती रहती, और इसी बीच राहुल हमेशा पिसता रहा। वो करे भी तो बेचारा क्या करे। खैर, कैसे सास बहू के बीच का ये मनमुटाव दूर होता है, आइए जानते हैं। टीना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये साड़ी वाड़ी मत पहना करो। तुम अब हमारे घर की बहू हो, तुम अब अपना ये बिहारी लाइफस्टाइल छोड़ो और पंजाबियों की तरह रहा करो। अरे मम्मी जी, अगर आपकी पंजाबी बहू है तो का हुआ, हम भला अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं जी। अरे बचपन से ही ये सब हम करते आए हैं और देखते आए हैं। टीना, तू मुझसे जुबान मत लड़ाया कर। अब तू इस घर की बहू है तो तू अपने मायके के रीति रिवाजों को भूल जा। देखिए जी, अरे आपकी मम्मी ने बहुत गलत बात बोला है हमसे। अरे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब उनको हमारा साड़ी पहनने में दिक्कत का नजर आ रहा है। अरे यार बस करो, परेशान हो चुका हूँ आप लोगों से। कभी कभी ऐसा लगता है घर में सास बहू नहीं बल्कि टॉम एंड जेरी रहते हैं, जब देखो तब लड़ते रहते हो। एक दिन टीना अपनी बिहारी फेमस डिश लिट्टी चोखा बनाती है, जो उसकी सास को पता ही नहीं होती कि भाई ये तो बिहारी स्टाइल का खाना है। अरे टीना वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तू इतना अच्छा खाना बनाना कब से सीख गई? भाई आज तो मैं तुझे मान गई। अरे मम्मी जी, ये तो बिहारी स्टाइल का खाना है जो शादी से पहले हम अपने घर में बनाया करती थी, और एक आप हैं जो यहाँ हमका कुछ बनाने ही नहीं देती। ये सुनकर तो वो चुप हो जाती है, उसने तो बेवजह उसके खाने की तारीफ कर दी। अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा हवा में मत उड़, खाना इतना भी अच्छा नहीं था। क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। अरे एक दूसरे को नापसंद करते हो, ऊपर से एक दूसरे की बनाई हुई चीज पसंद भी आ जाती है आप लोगों को, फिर भी ऐसा बिहेव करते हो जैसा कि आपको पसंद ही ना हो। कभी कभी मुझे डाउट होता है ये हमारा घर नहीं टॉम एंड जेरी का शो है, कॉमेडी शो। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुनो टीना, मेरी सहेली आने वाली है घर पे, तो तुम ये साड़ी वाड़ी पहन के उसके सामने मत आना, कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनना। अरे ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम ऐसा ही कर देंगे। परमजीत की सहेली घर आती है, जो घर की साफ सफाई और घर में साज सजावट देखकर बहुत खुश होती है। परमजीत की बहू ने कितने अच्छे से संभाला हुआ है वो ये सोचती है। अरे परमजीते, तेरी नू ने तो घर बड़ी चंगी तरह से संभाला है। एक मेरी नू है जो पूरा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है, मेरी नू तो कोई काम नहीं करती है। हाँ बहन, टीना घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। तभी टीना वहाँ पर आती है, वो भी सुंदर सी ड्रेस पहनकर। वो दोनों के लिए चाय बनाती है और दोनों साथ में बैठ जाती हैं। पुत्र जी, आप सारा काम बहुत बढ़िया करते हो, आजकल की नू दो कोई काम नहीं करती है, और काम करती है तो दुखी हो जाती है। अरे आंटी जी, ये सब तो हम अपने मायके से ही सीख रखे हैं। अरे ये सब तो हमको हमारी अम्मा सिखाई थी। अरे परमजीते, तू तो बड़ी किस्मत वाली है, वाहेगुरु की कृपा से इतनी चंगी बहू मिली है। अरे बहन, जो पास रहता है ना उसे ही सब पता होता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। दूर से तो सभी अच्छे लगते हैं, इसने शादी के बाद भी अपने मायके के रीति रिवाज नहीं छोड़े, इससे तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा काहे कह रही हैं? अरे बताइए जरा, हम ऐसा का करे हैं जो आपको इतनी परेशानी हो रही है? टीना, मैंने पहले भी कहा है, तू मुझसे जुबान मत लड़ाया कर। दिलजीत तो वहाँ से चली जाती है और सास बहू की लड़ाई यूं ही चलती रहती है। अब टीना जो भी काम करती, परमजीत हर काम में कमी निकाल दिया करती, कभी टीना के खाने को लेकर तो कभी टीना के काम करने को लेकर। अब राहुल भी इन सब से परेशान हो चुका था, वो तो बस यही सोचता रहता कि कैसे करके दोनों के बीच सब कुछ सही कर दिया जाए। टीना बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम पहले की तरह कोई ड्रामा मत कर देना, और हाँ आज का सारा खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। लेकिन काहे मम्मी जी, आप काहे इतना परेशान होती हैं, खाना हम बना देंगे। नहीं नहीं, तू रहने दे, इस बार मेरी बहन और उसके पति घर आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू अपने बिहारी स्टाइल में कुछ बनाए, क्योंकि हम सब ठहरे पंजाबी
हमारा खाना तो अलग होता है। ये कहकर परमजीत सारा दिन किचन में खाना बनाते हुए लगी रही। मम्मी जी, आपकी बहन और जीजा जी आ रहे हैं, तो आप जाइए, तैयार हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है। ये कहकर परमजीत तैयार होने के लिए चली जाती है। अरे जरा देखें तो जरा, मम्मी जी खाने में का बनाई हैं? अरे इतना फीका खाना क्यों बनाई है मम्मी जी? अरे ये तो किसी को पसंद भी नहीं आएगा। भला इतना बेसुआद खाना किसी को पसंद आ सकता है क्या? अरे टीना कुछ कर। अरे एक काम करती हूँ, इसमें बिहारी स्टाइल का तड़का लगा देती हूँ और सासू माँ को कौन सा पता चल जाएगा। और फिर टीना उस खाने में अपने तरीके से तड़का लगाती है, लेकिन परमजीत को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। टीना बहू, मेरी बहन और जीजा जी आ गए हैं, आकर इनसे मिलो। टीना बहू जा जाकर खाना लगा दे, इन्हें भी भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, अभी लगाते हैं खाना। अब परमजीत की बहन और जीजा खाना खाने आते हैं। खाना खाकर दोनों अजीब तरह का रिएक्शन देते हैं। अरे बहन, ये कैसा खाना है? ये खाना किसने बनाया? हाँ, बताना जरा, ये बनाया किसने है? ये सुनकर परमजीत डर जाती है कि कहीं खाने में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई। क्या हुआ बहन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अरे बहन, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस पंजाबी खाने में जो बिहारी तड़का लगा है ना, आए हाय मजा आ गया। क्या, बिहारी खाने का तड़का? ये भला कैसे हो सकता है, ये तो मैंने बनाया है। ये सोचकर वो किचन में जाती है। टीना, क्या तुमने खाने में कुछ मिलाया है? तुमने मेरे बनाए हुए खाने को बदला है, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, वो खाना हम चक्कर देखे तो बड़ा बेस्वाद लगा हमें, तो ये खातिर हमने उसमें अपने मसाला का तड़का लगा दिया। मैंने तुझे बहुत बार कहा है टीना, तू अपना बिहारी स्टाइल छोड़ दे, तेरा ये सब नाटक ना बहुत हो गया। अरे मम्मी जी, आप जाइए, मेहमानों के पास बैठिए, वो सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये सब बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। गुस्से में बिलबिलाती हुई परमजीत वहाँ से अपने बहन और जीजा के पास आती है। परमजीत, सच में खाना बहुत अच्छा बना है, तेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। ये खाना खाकर तो मुझे मजा आ गया, पहले वाला खाना खाकर हम बोर हो चुके थे, ये खाना खाकर हमें कुछ अच्छा लगा। बहन क्या ही बताऊं, मुझे तो टीना के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन वो है कि अपनी जिद पर अड़ी पड़ी है। सच कहूं बहन, तुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, तू इसे ताने देना बंद कर दे, ये तेरी कभी नाक नहीं कटवाएगी। हाँ, तुम्हारी बहू खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है। अब मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बहू को ऑफर दे देता हूँ, मैं उसे अपने 5-स्टार होटल में शेफ की जॉब देता हूँ। क्या बात करते हो जीजा जी, क्या ये नौकरी उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी, और वो भी बिहारी खाना बनाने पर? अरे हाँ, अरे जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ यही खाना बिकता है, और कई लोग आते हैं ये खाना डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आपकी बहू चाहिए। परमजीत ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो तो हमेशा ही टीना को उसके खाने के लिए डांटती रहती है। परमजीत की बहन और जीजा के जाने के बाद घर में इसी बारे में बात होती है। परमजीत राहुल को ये सारी बात बताती है, जिससे वो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी माँ को टीना के हुनर की कद्र हुई, और इस बात को वो समझ रही है कि हर किसी की अपनी संस्कृति होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो टीना को ये जॉब करनी चाहिए। अरे हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे कि बिहारी खाना हमको इतना आगे बढ़ाएगा, आज हमको इतना बड़ा मौका मिला है, आज तो हम बहुत खुश हैं। टीना को 5-स्टार होटल में शेफ की नौकरी मिल जाती है, उसके हाथ का खाना खाकर गेस्ट भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और इस तरह से फिर कभी भी दोनों सास बहू के बीच में उनके अलग अलग कल्चर को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।